कितना काम रहा है ये हाँ देख क्या लो। हुआ डर गया, बोली, डर क्या गया हुआ, डर क्यों रहे हो इतना, यार। क्यों डर रहे हो। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी जस्ट उठा हूँ मैं, और आज हमारा गाना रिलीज हो चुका है फाइनली, झूठा लगदा, जो कि आपने सुनी लिया होगा। काफी बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है, लोग काफी फनी लग रहा है, सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि हमको काफी हंसी आ रही है, 5 लाख लाइक्स भी कंप्लीट होने वाले हैं। तो फिलहाल उठता हूँ और फैमिली को भी दिखाता हूँ गाना, और फैमिली का रिएक्शन देखते हैं। टीवी में देखेंगे सभी के सभी, मम्मी और पापा का रिएक्शन देखना है मुझे तो बस। मम्मी पापा का है, मम्मी पापा मम्मी बाहर, पता नहीं बड़ा। हमारा गाना ही रिलीज हुआ है और पापा मम्मी तो घर में ही नहीं है। चलो जब आएंगे तब रिएक्शन लेंगे। और लो गाना आ गया है, तो चलो इतने हाथ धोता हूँ और ब्रेकफास्ट करते हैं, देखते क्या बने। ये देखना इनका तो कुछ और ही चल रहा है, तो अपने ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट में दाल रोटी आज। ये देखो गाइस गैस पे क्या रख दिया इन्होंने, पता नहीं लोहे का रख दिया, इसको लाल कर रहे हैं। ऊपर प्लम्बर का काम चल रहा है तो उन्होंने कहा था कि गर्म कर देना इसको, और ये गैस पे देखना किस तरह से गर्म, सारी गैस जा रही है भाई अपनी, और ये लगे पड़े दोनों के दोनों। फाइनली मम्मी पापा पधार चुके हैं, तो अभी सभी सभी पूरी फैमिली आ चुके हैं यहाँ पे। गाने से ज्यादा व्यूज तो मेरे व्लॉग पे हैं, 25 लाख, उस पर 22 लाख, मतलब लोगों को व्लॉग ज्यादा पसंद आते हैं। ये वाला कैसा लगा, किसी कैसा लगा? ये तो वही था जब शूटिंग हुई थी, इसको तो सब पता है। मेरे को भी करना गाना, इसको भी करना गाना। ओरियो के लिए पार्ले जी ढूंढते हैं, ठीक है ओरी? ठीक है ठीक है। ये यार ये लग रहा है खतरनाक ना। नहीं बच्चे से कार्टून हटाने के लिए रिमोट मांग रहे हैं ना। नहीं नहीं दूंगा। ये वाला सीन ना बहुत ही ज्यादा फनी लग रहा है, जैसे कोई बच्चा होता है ना, और उसके बाद ये खाने वाला, मतलब कोई सोच भी सकता ये वाला सीन होगा इसमें, कोई सोच भी नहीं सकता इस तरह से तलवार लेके भागेंगे। जैसे स्टार्टिंग में इस तरह से कर रहा हूँ मैं, उसके बाद पानी उछाला, उसके बाद फूल दे रहा हूँ, तो लोगों को लग रहा है कि फूल दूंगा मैं, अच्छे से रोमांटिक सीन आया कोई। तो ये जो सारे सीन है ना, ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होंगे आप लोगों के लिए। जो मेरा करेक्टर है वो बिल्कुल इस टाइप का है, बच्चे टाइप का, और मतलब नॉटी टाइप का आपने देखा होगा, तो वो हमने वीडियो में दिखाने की कोशिश की है, और आप लोगों को पसंद भी आ रहा है। आपका नाम क्या है? अपना नाम बताओ। आपका नाम बताओ? यामिनी। यामिनी। हाँ। इनको ओरियो से मिलना है, ओरियो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा है। हाँ। नाखून वाखून लग जाएंगे ना, इसलिए नहीं छोड़ रहा हूँ मैं। इसकी पूंछ कितनी है लंबी। चलो ठीक है, बाय बाय करो, बाय बाय करो, बाय। इनका जाने का मन नहीं कर रहा। कहाँ से आए हो? आराम से बोलो। इनका जाने का मन नहीं कर रहा, इनको तो यही रोक दे, डर भी रहे हो? नहीं ये प्यारा है सॉफ्ट सा। मम्मी हम कितना प्यारा है, एक बार छोड़ो, एक बार इसको नीचे रख दो। अरे नहीं, वो आपके ऊपर उछल जाएगा ना, इसलिए छोड़ नहीं रहा हूँ मैं। आप छोटे हो ना, आप उसको जैसे ओरी को पकड़ा भैया ना, आपको मैं पकड़ूंगी। ये देखो, चलो अब बाय करो, अब हम कल फिर आना है। मम्मी मैं इतनी क्यूट सी छोटी सी बच्ची थी, वो जाने का नाम ही ले रही थी, इसकी मम्मी कह रही चलो चलो जाओ चलो चलो चलो। छोटे छोटे बच्चे इतना कनेक्ट हो जाते हैं ना वीडियोस देख देख के। अरे क्या चीज है, ये क्या चीज है? अरे नो 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 नो, अरे नो नो, काट लेगा वो, जहर होता है उसमें। और ये नो, चले इधर, जहर होता है उसमें, ठीक है, काट लेगा तेरे को, गिरगिट। अभी फिलहाल मम्मी ने निकाला मस्त मस्त मक्खन, देखो इतना सारा मक्खन निकाला है, थोड़ा बहुत खा लो मम्मी, खा ले, इतना मक्खन लेंगे अपन। पीयूसी खाना है? नहीं। पसंद नहीं है क्या तेरे को मक्खन, पसंद नहीं है? तो गाइस मम्मी पता क्या करती है, मम्मी इकट्ठा करती है पहले मलाई, फिर उसका बनाती है मक्खन, फिर उसका घी, इस तरह से, और जो थोड़ा बहुत मक्खन इसमें से मैं खा लेता हूँ। पानी मत पीना, खांसी हो जाएगी। ये मतलब बिल्कुल प्योर मक्खन है, घर का बना हुआ, घर की मलाई का, थोड़े हाथ गंदे हो गए बट कोई बात नहीं, चलता है। क्या हुआ, कैसे खा रहा है, देख तो हाथ में चम्मच से निकाल देता, हाथ से खाने का मजा ही अलग है। तो आज हम लगाएंगे लाइट्स अपने घर पे, तो हमारे पास टोटल 5 हैं, 1 2 3 4 5 हैं, हो जाएगा, इतने से और लानी पड़ेगी। नहीं बहुत है, इतनी कम है क्या? पेड़ पे लगेगी बाहर, पेड़ एक पेड़ में लगा देना। यार देखो घर के सामने पूरा कबाड़ी कबाड़ सा लगता है, मेरे को यहाँ भी अच्छे अच्छे गमले लगाने हैं। ये सारे कपड़े उठाओ पहले यहाँ से, बाइक चलाते नहीं है तो उसमें सारे कपड़े सुखाने वाला डाल दे, कच्चे बच्चे सुखा रखे बाइक, और मेरी बाइक पे वो भी, साहिल की भी नहीं, मम्मी के लिए स्टैंड लाना पड़ेगा कपड़े डालने वाला। तो अभी गाइज हम जा रहे हैं अभी सोम बाजार, थोड़ी बहुत वहाँ शॉपिंग करेंगे। आज क्या लेगा बता, सोम बाजार से पटाखे? पटाखे तो ले रहे नहीं भाई, इस दिवाली नो पटाखे, पटाखे नो पटाखे। तो आपने बताते थे भाई, तू इन्फ्लुएंसर है तो लोगों को, नहीं मैं इसकी बात पे गौर मत करना गाइज, नो पटाखे,
दिस दिवाली नो पटाखे। पता नहीं बच्चों को पटाखे बजाने की इतनी क्या एक्साइटमेंट रहती है। वो ये क्या था? तू कहाँ से ला रहा है ये पटाखे? तेरे को पता ओरियो डरता है पटाखों से, तेरे को पता नहीं है क्या? तो ओरियो को ले जाना कैंसिल, बिकॉज ओरियो आज काफी ज्यादा डर रहा है, बिकॉज बाहर पटाखों की आवाज आ रही है ना, वो घर से बाहर ही नहीं आ रहा है। कहाँ है ओरियो? कुछ भी नहीं कर रहा है वो, आया ही नहीं रहा, उधर गया है। पटाखों की डर से टेबल के नीचे बैठा है, आ ही नहीं रहा। देख हम इतना जा रहे हैं, देख नहीं आया वो। नहीं आ रहा भाई? पटाखे नहीं फूटेंगे अपनी गली में, पटाखे मत फोड़ दी ओरियो के पास। पटाखे फोड़ोगे? और क्या, 10,000 रुपए के पटाखे लेके आए। 10,000? 5,000? बचपन में हम भी ऐसे ही करते थे, हम 1,000 के पटाखे लाते थे और बताते थे कि हम 5,000 के पटाखे लाए हैं, मेरे पापा 5,000 के लाए हैं। ऐसे होता था, ये होता है बचपन। फैमिली के साथ जा रहे हैं इसलिए इनोवा लेके जाएंगे। यार बुरा लग रहा है, ओरियो घर में अकेला है। एट द सेम टाइम सेफ भी है, बिकॉज घर में पटाखों की आवाज नहीं आएगी, बाहर अगर रोड पे जाऊंगा तो पटाखों की आवाज आएगी। मैं अपना वॉलेट लाना भूल गया फिर से। पापा की कैश उड़ेगा, अब बड़े पापा की जेब खाली करेंगे। हम पहुंच गए मंडे मार्केट और भीड़ भी अभी काफी कम हो रही है, हमारी सस्ती वाली दिवाली शॉपिंग। अपने को तो टिक्की खाने से मतलब है, वो भी 10 रुपए वाली। पापा जी मम्मी का पूरा पूरा साथ देते हुए सब्जी खरीदने में। इतने 1, 2, 3, 4 एक बार सब्सक्राइबर भी है साथ में। खाओगे टिक्की? यस। चलो ठीक है अंकल जी, 4 बना दो। सो गाइस अभी टिक्की तो खा ली है, अभी हम खा रहे हैं गोलगप्पे। मेरे को मीठे देना, इनको तीखे देना। तीखे ये तो मीठा हो गया, ये मीठा हो गया ना। ओरियो के अपन घर चलते हैं, घर चलते हैं। हम आए क्या करने तेरे, हमने तो कुछ खरीदा भी नहीं है। तो अभी हम सोसाइटी में तो पहुंच गए हैं, बट घर की चाबी तो पापा जी के पास ही है, अब वापिस जाना पड़ रहा है वहीं पे। यहाँ पे हमने फर्स्ट टाइम ओरियो को लॉक करा इस तरह से घर के अंदर, बिकॉज वो डर रहा था, नहीं तो यूजली हम लेके ही जाते हैं उसको। चाबी दो यार, घर की चाबी दो। ये कैसे करेले हैं? राम करेले, राम करेले। ये कड़वे नहीं होते। तो आज यही सब्जी बनेगी। कितना काम रहा है ये? देख क्या हुआ ओली, क्या हुआ, क्या हुआ? डर क्यों रहे हो इतना, क्यों डर रहे हो? और ये को फिलहाल मैं अपने रूम में ले आया, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा लिटरली डर चुका है और कांप रहा है लिटरली। अभी तो दिवाली आई भी नहीं, आज तो 1 तारीख है, 4 तारीख की दिवाली, अभी 3 दिन है। थोड़ी बहुत बाहर से पटाखों की आवाज़ आ रही है ना, उससे डर रहा है ये बहुत ज़्यादा। देख लो गाइस, मतलब पटाखों से कितना डर लगता है डॉग्स को, और जो स्ट्रीट डॉग होते हैं वो तो स्ट्रीट पे रहते हैं, उनको कितना डर लगता होगा। तो मैं आपको बस ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ पटाखे कम से कम फोड़ना, एनिमल्स को हार्म ना हो जाए कहीं। डॉग्स को बहुत डर लगता है पटाखों से। ये देखो घर में है फिर भी कितना डर लग रहा है इसको, इसके सामने भी नहीं फूटते, इसको सिर्फ आवाज़ आती है, आवाज़ से डर जाता है। तो फिलहाल लाइट लगाने का टाइम आ चुका है, हमारे पास कुछ इतनी लाइट्स हैं, तो चलते हैं ऊपर लगाते हैं लाइट्स। इस परात में रख लिया हमने। तो अभी कुछ इतनी लाइट्स हमने लगा दी है वहां से लेके यहाँ तक। सामने मंदिर देखो कितना प्यारा लग रहा है। तो हमारे घर की लाइट भी जल चुकी है और थोड़ी बहुत यहाँ पे पेड़ पे भी लगा दी, थोड़ी बहुत लगी है। इनकी तो इस साइड भी है, बट हमने इस साइड नहीं लगाई, हमने सिर्फ इस साइड लगाई और थोड़ी बहुत पेड़ पे। चलो जैसा भी है, जितनी लाइट्स हमारे पास थी, जैसा लग सकता था हमने लगा दिया। अब चलते हैं अंदर। कुछ नहीं हुआ। ओरियो ये फोड़ रहा है पटाखे, ये मैं कहाँ फोड़ रहा हूँ मैं? वो एक्चुअली हमारे पड़ोस वाले फोड़ रहे हैं पटाखे, तो उससे ये डर रहा है बहुत ज्यादा। अब मैं किसी को रोक तो सकता नहीं, बट मैं अपने ऑडियंस को कह सकता हूँ कि देख सकते हैं आप कितने डरते हैं डॉग। मैं बस अपने ऑडियंस को कह सकता हूँ, अपनी वीडियोज में बोल सकता हूँ कि पटाखे कम से कम फोड़ना और हो सके तो ना ही फोड़ना, क्योंकि देखो डॉग को कितना डर लगता है। लिटरली ओरियो आज पूरा दिन यहीं पर ही है, पूरा दिन डरा हुआ है ओरियो। तो आज डिनर में है दाल रोटी, सुबह भी दाल रोटी खाई थी, अब भी दाल रोटी। करेला नहीं, मैं यही खा रहा हूँ। नहीं नहीं करेला नहीं, अरे कुछ और ही हो, करेला नहीं हो तो क्यों खा ले फिर? तभी तो नहीं खा रहा ना मैं, वरना करेला खाता हूँ। हाँ वो दूसरा करेला है। तो भी गाइस सडनली हमने देखा एक खतरनाक सी चीज हमारे घर में आ चुकी है, गुजी कीड़। इसका नाम है गुजी कीड़, इसका नाम है गुजी कीड़, नहीं खुजली कीड़। खुजली होती है इस कीड़े से बहुत ज्यादा। इसके बाल चुभते हैं और बहुत खुजली होती है। चलो उठाओ, कौन उठाएगा इसको? इसको। तो भी रात के 12 बजने वाले हैं, एडिटिंग हो गई है, ओरियो फिलहाल सो गया यहाँ पे, और ओरियो की टेंशन हो रही है मुझे, बिकॉज अभी दिवाली नहीं आई है, 3 दिन बाकी हैं, तो काफ़ी पटाखे फूटेंगे। किस तरह से इसको मैं रखूँगा, बिकॉज आज तो थोड़े बहुत पटाखे फूटे थे, उतने में इतना डर गया ये। बाकी जो भी है देखते हैं, फिलहाल तो मैं बस अब थोड़ी देर ड्राइंग करूँगा और फिर सो जाऊँगा। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आएगा, ब्लॉग पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर देना। मिलते गाइस जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
दोनों भाई बस लगे पड़े चाउमीन खाने में, इनके बस यही करने आते हैं यहाँ पे। आप करना है मुझे टिक्की खाने आया था।